चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो चलो साइड में साइड में साइड में हां इस तरफ इस तरफ आगे 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 सर 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 क्या कर रहे हैं सर सीधे खड़ा रहे सर यही है अक्यूज्ड सर ये फाइल सर चल चल हाँ एंडी हाँ भाई मैं कुमार बोल रहा हूँ अच्छा बोल ना भाई भाई कॉलेज में लफड़ा हो गया है अनवर की बहन को किसी ने छेड़ा है वो है? रही है भाई भाई अनवर की बहन को किसी ने छेड़ा है भाई अभी जाके उसे पकड़ना है कॉलेज में घुस के जिसने बहन की बेइज्जती की उसका मुंह तोड़ दे रहा है हम सिर्फ 10 लोग हैं होगा क्या पर सारा कॉलेज वहां पर होगा तो सत्य आया ना अनवर की बहन को छेड़ने वाला क्लास के अंदर है भाई वो सब छोड़ कॉलेज में वहाँ का किंग कौन है अगर कोई मसला हुआ तो कौन आगे खड़ा होता है लेकिन वो किस लिए कुछ काम है इसलिए कौन है वो उसका नाम है शॉर्टकट कार्तिक तुम लोग निकलो मैं देख लेता हूँ हाँ हाँ ठीक है भाई भाई ए क्या है ये आप ही हो क्या शॉर्टकट कार्तिक भाई देख रहे हो सांड की तरह दिख रहा है पर मुझे भाई कह रहा है ये है कार्तिक का वेट है कि नहीं हाँ भाई है हाँ मैं ही कंफर्म तुम ही कॉलेज के बॉस हो ना और दूसरा तो कोई नहीं है ना कॉलेज में कोई भी परेशानी हो मैं ही सॉल्व करता हूँ मेरी जानकारी के बिना पत्ता भी हिलता है क्या नहीं आप सब इंजीनियरिंग करने के बाद फ्यूचर में क्या बनने वाले पता है भीख मांगना पड़ेगा अनवर की बहन को किसने छेड़ा था भाई वो रहा तेरी तो तेरे साथ पढ़ने वाली लड़की है ना वो ए, तुम लोगों पर भरोसा करके उन्हें कॉलेज भेजते हैं और तुम ही लोग उनकी बेइज्जती करोगे तो कैसे चलेगा भाई छोड़ दो मुझे आपको मैटर के बारे में कुछ नहीं पता है क्या समझूंगा नहीं बैठ 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 नीचे बैठ मत मारो भाई भाई आप मार क्यों रहे हो मुझे कॉलेज में घुसकर जूनियर को मार रहा है तो नहीं जानता अंदर शॉर्टकट भाई है अगर उन्हें पता चला ना तो तेरा हाल बेहाल हो जाएगा शांत रहना अरे मैं बात कर रहा हूँ ना देख सीधे तरीके से माफी मांग और यहाँ से निकल जा नहीं तो शॉर्टकट कार्तिक भाई अगर यहाँ आ गया ना तो तेरे को दे धनाधन बरसात की तरह बरसा देगा चुप रह तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं इससे बात कर रहा हूँ पहले ही मुझे धो चुका है तू चुप रह तूने पहले ही मार खा लिया तो फिर सही है कूल कूल ब्रो मैं भी बैठ जाता हूँ आज के बाद सिर्फ आयशा ही नहीं कॉलेज की किसी भी लड़की को छेड़ेगा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा समझो अरे कॉलेज में आके गुंडागर्दी करता है पुलिस चल मेरे साथ चल अरे सर 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 सॉरी सर सॉरी सर 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 छोड़िए ना सर सर एक मिनट सिर्फ एक मिनट सर प्लीज हाँ याद रखना इतना सब करके फिनिशिंग नहीं हुई तो क्या फायदा अब चलिए आइए कॉलर पकड़ी अब चलिए सर सर अबे कमीने क्या है रे आज मैं तेरे ऊपर बहुत नाराज हूं तुझसे कुछ भी कहूं तू सुनता ही नहीं है मेरी बात अगर मैं जरा भी लेट करता तो पता है क्या होता क्या होता गुंडे के चेहरे से मार खाने के बाद जैसा खून बहता है वैसे मेरा बहता ए तू पुलिस बनना चाहता है ना तो थोड़ा संभल के रहना होगा
अपनी बहन को कोई छेड़ेगा तो तू चाहे तो पुलिस का ड्रेस पहनकर चुपचाप देखता रहे, लेकिन मुझसे ये नहीं हो सकता। तू भी तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने वाला है, तब देखता हूँ तेरी हिम्मत को। भाई तू चाहे तो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर डमी पुलिस बन जा, मेरा सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर आने दे, उसके बाद देख पूरा स्टेट मेरा रौब देखेगा। क्या बोलता है गुड्डो? हाँ भाई, अगर तू पुलिस बन गया ना तो ये तुम लोगों की वजह से ही बिगड़ रहा है। फिर क्या करना चाहता है? अपॉइंटमेंट लेटर आने तक तो चुपचाप बैठ। सुन, चेक ऑर्डर ले भाई। हाँ? एक ऑर्डर आया है। कितना? 100 ग्राम। भेजा के तोल। ए, 100 ग्राम। जब देखो जब मार पीट करते रहते हो। मैं तुझे सीधे तरीके से काम करने के लिए कहता हूँ तो तू सुनता नहीं है। इधर तो बोलता हो तो तू उधर देता है, उधर तो बोलता हो तो इधर दे देता है। मर, बहुत चर्बी है ना तेरे अंदर। वो क्या तेरा बाप था? माफ कर दो मुझे। अरे दास, क्या चाहिए? 3 नगर से एक ऑर्डर आया है। ये उन्हें भेज दे और इसे उठाकर वहां डाल। ये ले, इसे पहुंचा दे। मैडम ये कुरियर है। कुरियर है? हाँ। बच्चों तुम लोग जूस पीते रहो, तब तक मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई आराम से पियो, और हाँ सब लोग दक्षिण दिशा की तरफ देखकर पीना। अरे मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ। अरे मुड़ो भाई मुड़ो। देखकर पियो। क्या बात है? ऊंचा है क्या? तेरे बाप ने गर्मी में जूस पिला यही बड़ी बात है, लेकिन वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा में देख के पीना ये बात समझ में नहीं आई। अब इतनी सी बात के लिए इतना दिखाने की क्या जरूरत थी? ए सेठ जी इधर आओ। क्या है? जरा उधर देखो भाई। कालू गैंग्स? क्या है गणेश, ये सब तो गुंडे हैं। चलो पैसा निकालो। माफ करना भाई, एक मिनट। गणेश ये लो, ये रख लो, ठीक है? वो चेन, चेन 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 को ब्रेसलेट बनाकर पहन लेता हूँ। ए भाई जूस का कितना हुआ? पापा उसके साथ क्या कर रहे थे आप? अरे कुछ नहीं बेटा। ए जूस का कितना हुआ? सीधे तरीके से बताइए, तभी से हम लोगों की तरफ उंगली दिखाकर बात कर रहे थे। क्या बता रहे थे? कुछ नहीं है बेटा, उसने मुझसे कहा था मुसीबत है कुछ पैसे दे दो, मैंने दे दिया। और जब मैं अपने पैसे मांगने गया तो उसने देने से इनकार कर दिया, मुझे अपनी दुकान से भी भगा दिया और बोला तुझे जो करना है कर ले। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या कर रहा है? उसकी नजर में तुम लोग गुंडे हो ना? गुंडे? और हम लोग? वैसे तो तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एटलीस्ट अनजाने में ही तुम लोगों ने मेरा काम तो कर दिया। आप एक बाप की तरह बात कर रहे हो, अपने बेटे को लोग बड़ा आदमी बनाते हैं और आप मुझे गुंडा बनाने की सोच रहे हो? ए धीरे धीरे, नहीं तो नाक से निकल जाएगा। अरे ए तेरा हुआ नहीं? उस दिन हमारी क्लास टीचर मेकअप करके आई थी, देखा था ना? हाँ। हाय। तुम लोग चलो मैं आती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है बाय। तुमसे कितनी बार कहा है स्कूल के पास मत आओ। वो तुम्हें देखने का मन किया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। गलत किया क्या? ट्यूशन जाते समय रोज देखते हो ना, फिर क्या है? नहीं वो मुझे पूछना था कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना। कितनी बार तुम एक ही बात पूछोगे, कसम से करती हूँ। ठीक है। ये कौन है संध्या? बोलती है मेरे साथ घूमेंगे तो घर में मचमच होगा, और इसके साथ घूम रही है क्योंकि मैं लोकल अनाड़ी हूँ, इसलिए मुझे अपने से दूर किया ना। ए, कौन हो तुम? क्या नाटक कर रही है, तुम मुझे नहीं पहचानती? देखो भाई वो कह रही है कि उसे नहीं मालूम है, आप निकलो यहाँ से। ये सब तेरी वजह से हुआ है, फिर तुझे दोबारा संध्या के साथ घूमते देखा ना तो काट डालूंगा। सच में वो कौन है मैं नहीं जानती हूँ। अंदर आ गया सर, सेकंड फ्लोर पे ही ना? मैं रूम के बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। हाँ सर मैं चलते हुए आ रहा हूँ। क्या या सॉरी सॉरी सॉरी
प्लीज उठाओ यार, प्लीज उठाओ। क्या बात है? अर्जेंटली ब्लड चाहिए, और जो ब्लड देने वाला था उसने मना कर दिया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। थैंक यू सो मच। सिस्टर, मैं अपने साथ डोनर ले आई हूँ, आप ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। ठीक है, ब्लड रिप्लेस कर देंगे। आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए प्लीज। नाम? पता नहीं, बताओगी तो पता चलेगा। मैंने आपका नाम पूछा। सत्या। ग्रुप? ए हो या बी हो, जो भी आपको पसंद हो लिख डालो। प्लीज जल्दी कीजिए। ओके मैडम। सिस्टर। हाँ? कितना खून निकला? 300 ml। नहीं, 5-6 liter साथ में निकल सकते थे ना? मर जाओगे, चलेगा? क्या चलेगा? हाय सर। ये क्या है सत्या? तूने जिसे मारा उसकी बहन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तेरे ऊपर कंप्लेंट देना चाहती है। तू अभी कुछ सोच मत, वो जैसे ही आएगी तो कहना, ऐसा फिर कभी नहीं होगा सिस्टर, बाकी मैं देख लूंगा। देखिए सर, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है, लेकिन उस लड़के ने जो किया बहुत गलत है। अगर उसके बावजूद वो लड़की अगर जिद कर रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। केस हो जाने दो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाकर देखूंगा। क्या सर, आप सिर्फ मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? हाय सुंदरी। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो, आप इन्हें पहले से जानती हैं? हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ सर। मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानते थे, फिर भी ब्लड डोनेट करके अपने जेंटलमैन होने का सबूत दे दिया। और क्या चाहिए सर, इनके जैसे अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। और एक वो जिसने मेरे भाई को मारा, ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। आपका क्या कहना है सत्या? जेल में क्या डालना, सीधे फांसी देनी चाहिए। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? अरे बेटी, तेरे भाई को खून देने वाला भी यही है, और तेरे भाई का खून निकालने वाला भी यही है। अरे यार, देखिए मैडम, आप सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका भाई जो है ना, वेरी वेरी बैड। कहाँ है वो? अंदर ही है ना? अरे, उसके साथ बात करके आता हूँ। अरे हेलो, एक मिनट। नहीं नहीं, मुझे माफ करिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ऐसे सोया हुआ देखकर तेरी बहन को कितना फील हो रहा है पता है तुझे? वो देखकर मैं भी बहुत फील कर रहा हूँ यार। तकलीफ हो रही है ना तुझे देखकर? नहीं, तेरी बहन को देखकर। कितनी खूबसूरत बहन है तेरी, उसको देखकर मुझे चुप रहना ही पड़ेगा। ये कौन है जो भाई कह के बुला रही है? ये आयशा, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, एक्चुअली मैं और विकी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस दिन एक्चुअली छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन लड़कों ने कुछ देखा और आपको आकर कुछ और बता दिया। क्या कहा, प्यार करते हो? हाँ छोड़, तेरे भाई को पता चला तो तुम दोनों को मार डालेगा। हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए ना प्लीज। देख आयशा, तेरा भाई जितना मेरे लिए जरूरी है उतनी तू भी मेरे लिए जरूरी है। ये प्यार करते हुए तुम लोग यहाँ वहाँ पर घूमोगे ना तो तेरा भाई कुछ करे ना करे, लेकिन मैं कुछ कर बैठूंगा। अभी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, समझे? अच्छा टाइम देखकर मैं तेरे भाई के साथ बात करूंगा। तुम्हें पक्का समझे ना भाई? अच्छा हाँ छोड़ मेरा, जब देखो मस्का मारती रहती है। ये देख लीजिए, पर आप नहीं समझ रही हैं। ऐसे कैसे छोड़ दो उसे, अपने आप को समझता क्या है वो? असल में गलती मेरी ही है, सॉरी। ऐसे कहकर भाग रहा है, इसे नहीं पता हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, बिल्कुल नहीं। देखो आप बेटी, देख लीजिए, मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता, मुझे माफ करो। आ गया। और भाई कैसा है? हाँ, मैं सॉरी यार, लेट हो गया। बेटा सत्य। बोलिए अंकल। कौन से एरिया में तेरी पोस्टिंग है? पटानी, जब आएगा तो पता चलेगा, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं देंगे। पर अपना काम ईमानदारी से करना। पापा, पर ईमानदारी से आजकल घर नहीं चलता, इसे तो ये मत सिखाइए। क्या जी, बच्चों के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, उन्हें खाने दीजिए और आप यहाँ आइए। तुम लोग खाओ, मैं आता हूँ। कमाल है, अपने घर में अचानक बिरयानी। बाजार में अपने दुकान में जो सामान था वो सब कुछ हार्बर में लॉक हो गया था, उसके लिए 3 लाख रुपयों की जरूरत थी, जिसके लिए इस घर को गिरवी रखकर 3 लाख रुपए लिए थे। एक साल हो गया भर नहीं पाए, अब वो सेठ घर मांग रहा है। अपना खुद का घर है नहीं, इसलिए सबको बुलाकर हमें यहाँ पर खाना खिलाना पड़ रहा है। यार, अगर मेरे अब्बा चाहते तो जिंदगी में बहुत पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, ईमानदारी में ही पूरी जिंदगी गुजार दी। क्या भाई, लगता है बहुत कह दिया। ए, वो कितना फील होकर जा रहा है बेचारा। उसकी फीलिंग रहने
रहने दीजिए, मेरा एक छोटा सा काम। क्या हुआ? ये बिरयानी विकी तक पहुँचानी है। आपने कहा था ना बाहर नहीं घूमना है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, मैं ही लेकर जाता हूँ। इससे मेरा भी तो फायदा ही होगा ना। क्या चल? है, थोड़ा संभल कर रहना और एक बात का ध्यान रखना, सामान ले जाते समय कोई पकड़ा ना जाए। क्या है भाई? घर में छोटा सा फंक्शन था। बिरयानी लेकर आया है क्या? थैंक्स यार, अब निकल। भाई अब क्या है, टिफिन चाहिए क्या? खाने के बाद दे दूंगा। वो बात नहीं है भाई, आपको पता है ना, घर बेचकर मैंने आधा काम पूरा किया है, बाकी के लिए मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। तू जो मांग रहा है वो बड़ा अमाउंट है, और मैंने कब कहा कि नहीं दूंगा? कुछ करना है तो बड़ा कर, मैं भी चार पैसे देख पाऊंगा और तू भी सेटल हो जाएगा। एक अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, करेगा क्या? मैं करता हूँ भाई, तुम बताता हूँ। मैंने कहा ना मैं उसे नहीं जानती, कोई भी आकर रास्ते में मुझसे बात करेगा तो तुम उसकी बातों में आकर मुझ पर शक करोगे। देखो कल मैंने तुम्हारी फेसबुक भी देखी, वो लड़का तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में भी है। कौन है वो लड़का मुझे बताओ? मेरी फ्रेंड लिस्ट में हजारों लड़के हो सकते हैं, तो क्या मैं सबको जानती हूँ? उस दिन उसने तुम्हें मारा था ना, तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है, और मारना चाहिए था। अब जाओ यहाँ से। आई एम वेरी सॉरी संध्या, प्लीज संध्या मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सॉरी जाओ। संध्या सुनो ना, आई एम वेरी सॉरी, इसके बाद नहीं पूछूंगा, मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। सॉरी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, मुझसे गलती हो गई संध्या, आई एम सॉरी। मुझे देर हो रही है जाने का, मुझे आप तो सुनो, मैंने मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा मैं सुनो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, बस प्लीज इधर आ। क्या हुआ भैया? अबे कैसा मर्द है तू, इतना कभी गिरना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बता मैंने क्या बोला? मर्द को इतना गिरना नहीं चाहिए, इनको गिराना चाहिए। सुपर मेंटेन कर, समझा ना? तो फिर निकल यहां से। संध्या संध्या मेरी बात सुनो, आज के बाद मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। ए सर कहां है? वहीं ऊपर बैठे हैं। हां चल जा बे। कौन आया होगा अंकल? मैंने सोचा था कि आप इतने सीरियस होंगे, लेकिन आप तो एकदम कॉमेडी निकले। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पापा इस आदमी को घर के अंदर किसने आने दिया? चलो यहाँ से। ए, ये क्या कह रही है? इससे बात कर रहा है? तेरा सिर फोड़ा था ना इसने, कितनी बुरी तरह मारा था, अकल नहीं है क्या? चलो चल। इसने माफी मांग ली है ना? माफी मांग लिया तो? माफी मांगने वाला सच्चा इंसान होता है, और साथ में अगर आपको बिरयानी खिला दे तो महान इंसान हो जाता है। अंकल सुपर अंकल। सर आप जरा बाहर आ सकते हैं क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो क्या है? क्या बे? कुछ नहीं, ऐसे ही। यहाँ आने के पीछे क्या मकसद है तुम्हारा? बस ऐसे प्यार करने का। ये क्या बोल रहे हो, तुम किसी को भी देखोगे और प्यार करने लगोगे? सही नजर से देखो तो पता चलेगा। क्या हुआ? गलत मत सोचना, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। उस दिन हॉस्पिटल में देखा, भाई को चोट क्या लगी तुम तड़पने लगी। घर में बाप के साथ रॉब से बात करती हो, और उन दोनों के लिए तुम माँ की तरह रोल निभा रही हो। तो 5:30 तो बज रहे, बहुत जल्दी घर पे भी आ जाती हो, अच्छी पढ़ी लिखी भी हो, अगर मैं काम पर ना भी जाऊं तो आराम से मेरा घर चला सकती हो, सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, दिखने में तो एकदम सुंदर लगती हो, वाह और क्या चाहिए मुझे, लड़की को भी और क्या चाहिए होता है, लड़कों को देखने के बाद ही फिक्स हो जाता है, तो इस बंदे पर भी जरा सा रहम कर दो ना। पागल हो? अरे क्या हुआ, कुछ तो जवाब देती जाओ। जाओ यहाँ से। हेलो, अरे भाई ये क्या कर रहे हो आप? अरे मेरी बात तो सुनो भाई, सुनो, चलो यहाँ से। हेलो, अरे क्या हुआ, कितना टाइम लग रहा है तुम्हें? मुझे लगता है और 10-15 मिनट लग जाएंगे। क्या कहा, 10-15 मिनट लग जाएंगे? इतने कौन से बड़े दिए लगा रही हो? हाँ चलो अब रखो। रुको मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया। सर आपको किससे मिलना है? हाँ मेरे आदमी से मिलना है। सर एक्सिस कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते। तो एक चलना एक्सिस कार्ड तेरे पास है ना? यस सर, वन मिनट। डेटा के हिसाब से ये कर क्या रहे हैं ये? 2 डेज बिफोर आई फॉरवर्डेड अ मेल सर। यस सर। हेलो मैडम, क्या कर रही हो? सत्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम काम बोल के फुल बिल्डअप दे रही थी, और इधर आके देख रहा हूँ तो सब लोग फोन पे लगे पड़े हैं, कमाल है। हेलो मैडम, आप किससे बात कर रही हो? यूएसए में क्लाइंट है। यूएस आईएसटी कॉल। अब मैं क्या करूँ? यस स्टडी बूथ है क्या? क्या कहा?
ये एसटीडी बूथ लग रहा है। डैम इट। मैंने भी सोचा कि आप लोग मेकअप करके काजल लगाकर एसी कार में आते जाते देखा तो बहुत बड़े काम करते होंगे। यहाँ कर देगा तो पता चल रहा है कि गोरे लोगों को बस चूना लगाने का काम करते हो। ज्यादा उछलो मत, तुम्हें भी कहीं भी काम नहीं मिलने वाला, आखिर में तुम्हें यही आना होगा। फोन पे बात करना कोई काम होता है क्या? अरे काम किसे कहते हैं जानती हो? इधर उधर भाग दौड़ करके कमर हिलाकर पसीना बहाने को काम बोलते हैं, तभी तो खाया हुआ खाना हजम होता है। देखा ना, इसका खाना तो हजम ही नहीं हुआ है, सोडा पी रहा है। निशा! Yes, sir. What is happening here? Hey, who is this fellow? How he came to this floor? Sorry, sir. ये इस STD booth का owner है क्या? Hey, this is not a STD booth. This is a call center. I'm sorry, Gary. He's my boyfriend. I'll take care of him. क्या कहा? Diary? हा? तुम तो कहीं से दिखने में diary जैसे नहीं लगते। जरा इधर आओ। What? Hey. No, Satya, oh, Satya, leave it. Gajabadi Swami. Yes. क्या है भैये? This is my pseudonym. Yes, oh. Gary. Your vocabulary is very wrong. Talking okay. bad words. Okay, sorry, Nisha, sorry. He's sorry. very dangerous. Sorry. Damn it. संध्या नाम की स्कूल की बच्ची कल शाम से दिख नहीं रही है, वो गुम हो चुकी है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। संध्या नाम की जैसे ही ट्यूशन से घर जाते वक्त खबर देने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस पता लगा रही है कि ये मर्डर है या उसका किडनैप हुआ है। इसे जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ सर। कितने दिनों से जानते हैं उस लड़की को? हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं सर, हम दोनों साथ में ही जाते थे, लेकिन कल ट्यूशन के बाद वो अकेली चली गई थी। मुझे काम था, मैं आने में लेट हो गया। अच्छा, और जब अच्छा। मैं वापस आकर देखा तो उसकी साइकिल पड़ी हुई थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है सर। एक लड़का उसे हमेशा डराता था, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। वो अच्छी लड़की है सर। हाँ। उससे मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये कैसे हुआ कुछ पता नहीं सर। अच्छा, रोज ये ट्यूशन कितने बजे छूटता है? ऐसे तो शाम को 6 बजे तक छूटती है। हाँ। कल शाम को 6:15 तक छूट गई थी। लेकिन क्यों? सत्या? सर आओ आओ सत्या, ये मेरे फ्रेंड के पापा हैं। हाँ। क्या हुआ? दरअसल बात ये है सत्या, जो लड़का लड़की से प्यार करता था उसी ने उसका मर्डर कर दिया। उस लड़के ने कई बार मुझे भी धमकाया है सर। पता चला है पिछले हफ्ते उसने लड़की के साथ झगड़ा किया था, ये बात ऑटो रिक्शा के स्टैंड के ड्राइवरों ने बताया। मर्द को गिरना नहीं चाहिए, औरत को झुकाना चाहिए, समझ गया? संध्या नाम के स्कूल की लड़की जिसे किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। संध्या से प्यार करने वाले प्रेमी ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। 1 साल से उससे प्यार करता था सर, अचानक एक दिन मुझे छोड़कर वो दूसरे के साथ घूमने लगी थी सर। मैंने पूछा क्यों छोड़ दी तो उसने कहा तू लोकल है, झोपड़ी में जीने वाला इंसान, तेरा और मेरा नहीं जमेगा, ऐसा बोलकर वो चली गई और वो दोनों एक साथ घूमते थे जो मुझसे देखा नहीं जाता था। इसीलिए मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और सबूत ना मिले इसीलिए उसे जला दिया। सर ये बॉडी उसी लड़की की है, ये कन्फर्म है सर। हे वहां देख, आज काउंसलर हमारे ग्राउंड की तरफ आ रहा है। हाँ यार चक्कर क्या है, लगता है कोई बात हुई है, देखते हैं क्या है। भाई नमस्ते भाई। क्यों रे, कहाँ है तेरा दोस्त अनवर? भाई वो यहीं है, जॉगिंग कर रहा होगा। ओ अनवर, ओ भाई, भाई बुला रहे। अच्छा सुन, तू एक्सरसाइज कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नमस्ते भाई। क्यों पुलिस वाले, मैं तुझे पैसे देता हूँ और फिर तेरे पीछे भी घूमता रहूँ क्या? ऐसा नहीं है भाई, बस मैं अरेंज ही कर रहा हूँ। क्या खाक अरेंज कर रहे हो? तुम्हारे पास एक घर था जिसे सेठ को बेच दिया, अब मुझे कैसे दोगे उसे? भूल गया, अपनी बहन को पढ़ाने के लिए तूने मुझसे कर्ज लिया है, अगली बार पैसे मांगने के लिए मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, सीधे तेरी बहन के पास जाऊंगा। क्यों रे? आप बोलो भाई, खत्म करता हूँ इसे। भाई तमीज से बात करो, मैं बोल रहा हूँ। ये देखो इसे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करता है। रहने दो भाई, चुका देगा आपका पैसा, इसे थोड़ा टाइम दे दीजिए ना। उसे भी देख लेता हूँ, पुलिस बनने वाला है क्या? छोड़, मैं भी देखता हूँ कैसे बनता है तू पुलिस। अरे चलना यार, अरे ओ गुंडे, तेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया यार, अब से तू गुंडा नहीं पुलिस है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है वो गलत टाइम पर आकर फंस गया है रे। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। पुलिस वाला बन गया।
कितने हिम्मत होगी बे तेरी, तू मेरे कंट्रोल के एरिया में आकर एक सहकारी पुलिस वाले के ऊपर और एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हाथ उठाएगा? पापा, अब तक आप मुझे गुंडे की नजर से देखते थे ना, पुलिस बन के मारते हुए नहीं देखा है ना? इसे चल बे सर। मॉर्निंग सर। सर पुलिस के सामने सैल्यूट और एक बार। मॉर्निंग सर। एक बार और सैल्यूट करना सर। कमिश्नर करूंगा उधर सर। Newly appointed sub inspector Satya reporting for duty sir. Sir. वो सब तो ठीक है, ये कौन है? मेरी आंखों के सामने कहीं भी अत्याचार हो तो मैं देखकर चुप नहीं रह सकता, वो भी खाकी ड्रेस पहनकर मैं कैसे चुप रह सकता हूँ सर? इसलिए मैं अक्यूज को अपने साथ में ही लेकर आ गया। सर सब ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही अक्यूज को पकड़ते हैं, मगर मैंने अक्यूज को पकड़कर ही ड्यूटी ज्वाइन की है और ये मेरा स्टाइल है सर। हाँ वो सब तो ठीक है, इसे कहाँ से पकड़ा? टी नगर से सर। तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में हैंडओवर करना चाहिए था ना, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तो इसे जोश में लेकर आया था सर, अगर आप बोलो तो मैं इसे वहीं पर पहुंचा कर आता हूँ। चल बे चला जा। इधर सुनो शंकर। सर अक्यूज को लेकर जाओ और सर कृष्णा परिमल को आने के लिए। ठीक है सर। ए चला जा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जितने भी अक्यूज्ड हैं वहां पर मेरी पोस्टिंग कीजिए, मैं डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा सर। सर कौन सा एरिया है मेरी पोस्टिंग का? एक्सक्यूज मी सर। नया बैच है। यस सर। ये अपने मन पसंद का पुलिस स्टेशन मांग रहा है, इसे लेकर जाओ। अपने ही डिपार्टमेंट का है। स्ट्रांग है। चलो आ जाओ। जाओ। थैंक यू सर। ए भाई तेरा नाम क्या है? सत्या सर। जरा धीरे बोलो ना। सत्या सर। हाँ इसी लेवल को मेंटेन करना। एक जगह 8 घंटा बैठ सकते हो क्या? बैठना क्या है सर, 100 मीटर में 10 सेकंड में भाग सकता हूँ। अरे एक ही जगह 8 घंटे बैठ सकते हो? बैठूंगा सर। तुम्हें साफ सुनाई देता है? गुड मॉर्निंग। सिर्फ सुनाई नहीं देता, आंखों से देख भी सकता हूँ। अक्यूज्ड को सीधे गोली मार दूंगा सर। अरे क्या कह रहा है, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें साफ सुनाई देता है क्या? देता है सर। अच्छी तरह बात करते हो। मेरा मुंह बात नहीं करता है सर, मेरे हाथ ही बात करते हैं। सिंगल पंच सामने वाला ढेर। क्या कर रहे हो, हाथ नीचे करो। पूछ रहा हूँ बात सलीके से करना आता है? कर सकता हूँ सर। सर मुझे एक डाउट है। क्या है? हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं या फिर नाटक देखने जा रहे हैं? बातें करना आता है क्या पूछ रहे हो? अच्छा सवाल किया है, कुछ ही दिन में समझ जाओगे। गुड मॉर्निंग सर। वो सब छोड़िए सर, मेरा एरिया कौन सा है सर? अरे रुको भाई, हम लोग अभी अभी तो वहां से आ रहे हैं और तुम्हारा साथ देने के लिए कोई और भी आ रहा है। क्या हुआ इतनी देर क्यों? सर पैंट बहुत टाइट था, उसे खोलकर अल्टरेशन करके पहन कराने में देर हो गई सर। सॉरी। नाम क्या है? एमी जैक्सन सर। एम जैक्सन सर। तो बहुत धांसू है। कौन है ये? सर आई एम फिजिकली फिट सर, कौन से एरिया में ऑपरेशन करना है मुझे बताइए, मैं रेडी हूँ सर। ऑपरेशन सर? चलो ऑपरेटर के पास। क्या कहा? ऑपरेटर सर। ऑपरेटर कम। सत्या ये है पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो 100 नंबर। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। यस्टरडे बूथ। फोन पर बात करना भी कोई काम होता है क्या? ठीक है जूस। Cheers. कानून सो रहा है। यस कितना सुस्ती वाला काम है। इसके लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, वेरी हैप्पी। क्या बोलते हो भाई हैं? अरे जाओ यार। क्या जाओ? हेलो ये सब काम कर रहे हैं तुम्हें लगता है क्या? उधर देख ब्लू शर्ट वाला फिल्म देख रहा है, सभी की जगह बैठ के पत्ते खेलते रहते हैं। देखा लगता है सबसे पहले उसको मारता है उसके बाद हमें मारता है। अरे सुनो बेटी नित्या। यस सर। शी इज नित्या। सुपर दिखती है सर। नहीं सर उसका नाम सुपर है सर। ये वीडियो सर्विलेंस इंचार्ज है, ये यहाँ बैठकर पूरे सिटी में लगे कैमरे को मॉनिटर करती रहती हैं। और ये हैं मनोज दास सिटी डायरेक्टर सर। हेलो सर। हाँ
ये शहर के ट्रैकिंग के इंचार्ज हैं। किसी का नंबर कहाँ पर होगा ये ट्रेस करते हैं। हेलो इंस्पेक्टर, इस आदमी के जाने के बाद यहाँ जो बहुत सारा टीवी है ना, आज क्रिकेट का फाइनल मैच होना है ना, उसे देखेंगे और मजे लेंगे। सही कह रहे हो सर। सुनिए सर, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दीजिए ना सर, मैं यहाँ पर बैठे बैठे काम नहीं कर पाऊंगा। प्लीज इनको बदल दो सर, मैं सही हूँ यहाँ के लिए सर। गुड, एक बात सुनो सत्या, कंट्रोल रूम का और एक हिस्सा इम्पोर्टेंट है, वहाँ कॉल्स अटेंड करते हैं, कम। चलिए सर। हो चलो। सत्या 100 बोलना सही नहीं है, हेलो 100 बोलो। बोलो हेलो 100। हेलो 100। हेलो 100 बोलो। हेलो 100। ये ज्यादा चालाक दिख रहा है, जरा तू बोल हेलो 100। हेलो 100, दम है तो इधर देख। क्या हुआ सर? एक बार और बोल के दिखाओ। खींच कर मारूंगा तो 1.5 टन का फटका लगेगा। हेलो सौ, हेलो सौ, सुन रहे क्या, सुन रहे क्या? क्यों सर, मजा आया कि नहीं सर? अरे सर, सर मुझे चक्कर आने लग गया, प्लीज मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। अरे नहीं नहीं, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। देखो कॉल आ रहा है, अटेंड करो। हेलो सौ, शालिग्राम स्कूल में 10 मिनट के अंदर बम फटने वाला है, जल्दी पहुंचिए। सर सर सर, शालिग्राम के स्कूल में किसी ने बॉम्ब फट दिया है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं सर, प्लीज कुछ कीजिए ना। फटने वाला? हाँ सर, बॉम्ब फटने वाला। कौन से स्कूल में? सर सर, शालिग्राम के कावेरी स्कूल में सर। ओ, उस स्कूल में क्या? हाँ, हाँ, सर। पूछना जरा कुमार है क्या? सर पूछो ना, उसका नाम कुमार है क्या? हेलो सर, आपका नाम कुमार है? अरे बाप रे, सच में फोन उठा लिया। अरे चल निकल यहाँ से। सर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुमार के लिए रेगुलर कॉल है, एग्जाम का टाइम है ना, ऐसे कॉल्स आते रहते हैं। देखो तुम्हारे पास ऐसे कॉल्स हर रोज आते रहेंगे, ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं है, कूल होकर हैंडल करना है। कूल होकर? सर लाइन लाइन। हेलो कंट्रोल रूम। हंस क्यों रहा है? वो कुछ नहीं है सर, ये बोल रहा है कि 100 घरों में आग लग गई है सर। क्या कहा? घर जल रहा है और तू ऐसे हंस की बात कर रहा है? सर क्या कह रहे हैं आप, अभी अभी आपने कहा कि कोई भी मामला कूल होकर के बताओ, इसीलिए कूल होकर के बताया। हाँ जी आप बोलो, उस 100 घरों में एक पुलिस चौकी भी है क्या? सर उन 100 घरों में एक पुलिस चौकी भी थी सर। अरे ये गधे कहां से आ गए पुलिस डिपार्टमेंट में। हेलो साहब भाई, मैं जगदीश बोल रहा हूँ, 2 चिकन बिरयानी पार्सल, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ए फोन रख। पूरा 100 200 300 400। हेलो सौ। सौ पूरा बिजी है, 500 वाला फ्री आ रहे हो क्या? हेलो सौ। अरे तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? हेलो सौ, ये सब क्या है सर? सत्या हम लोग 100 नंबर में काम करते हैं ना, जब 100वां कॉल आता है तो हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द डिपार्टमेंट? ऐसी बात है, वो मैं परिमल से पूछ कर बताता हूँ। हेलो सौ, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? अरे कॉल आने के समय ये बीच में क्यों आता है? सर, अरे तेरे ऊपर शनि का प्रभाव है। मेरे ऊपर शनि का नहीं, शनि के ऊपर मेरा है। और बताओ सत्या, काम कैसा चल रहा है? नहीं हो पा रहा है सर, क्या क्या सपने लेकर पुलिस में भर्ती हुआ था मैं, सारे सपने टूट गए। हाँ, शुरू में ऐसा ही होता है, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है सर, पिस्टल परिमल? अरे इसे छोड़ो सत्या, अगले महीने मैं रिटायर होने वाला हूं। एक छोटा सा काम है, मैं 2 मिनट में आया। आयशा, अब चल मेरा काम भी हो गया। अच्छा मैं तुझे एक बात बताता हूँ, लेकिन प्लीज तू बुरा मत मानना। देख भाई मुझे कुछ तो गलत लग रहा है, देख यार हालात तो सबके अच्छे बुरे चलते रहते हैं, उसके लिए हर जगह जाकर हाथ फैलाना। अबे आयशा की शादी करनी है, वो आदमी भी अपनी ईमानदारी में सब कुछ छोड़ चुका है, उससे पैसा मांगा था, एक साधारण मैटर था,
देख भाई, तू जैसा सोच रहा है असल में ये इतना बड़ा क्राइम बिल्कुल नहीं है, बस ये छोटा सा केस है। ए, तू भी ना यार। अच्छा सुन, तू आगे निकल, मैंने दानी से गाड़ी मंगवाई है, मैं उसके साथ आ जाऊंगा। चल ठीक है। क्या कह रहा था ये तुझे? नहीं नहीं, मैं नहीं कहा था। फ्रेंड के घर से जाते वक्त यहाँ रुककर कुछ खा। एक दूंगा तुझे, पूरी पत्ती से बाहर आ जाएगी। तेरा भाई नीचे खड़ा था, तुम दोनों को देखता तो यहीं पर मार डालता। मैं देख लेता हूँ, तुम लोग घर जाओ। सॉरी भाई, मैं बोला ना। तेरी तो अनवर, इतनी हिम्मत आ गई तेरे में? अनवर प्लीज, मेरी बात सुन। अनवर देख, मेरी बात सुन, मैं तुझे बता नहीं पाता। मेरी बहन के पास। अनवर सुन तो सही, मेरी बहन के साथ घूमता है। बताऊं तुझे सब कुछ? अनवर तू पीछे हो जा, मैं बात करता हूं। मेरी बहन को देखकर घूम रहा है, तू मुझे रोक रहा है। सुन, तू मेरा दोस्त है ना? तेरे को शर्म नहीं आती? मैं बात कर रहा हूं ना। तू इसकी बहन ही तेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसे ही पटाने के लिए तूने मेरी बहन का इस्तेमाल किया? अरे जिस थाली में खाया तूने उसी में थूका। यार तो मेरी बात मान यार, बहन के बारे में पता चलते ही तू अनवर को बता देना यार। भाई मुझे डर लग रहा है कि मेरा भाई गुस्से में अपने ही परिवार को कुछ कर देगा, मैं क्या करूं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं देख लेता हूं। ठीक है भाई। क्या सत्या, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? सर को बोलकर बाम लगवा दो क्या? अरे मेरी बात, ए उस कॉल को मॉनिटर करो। हेलो सर। हेलो सर, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। मेरी आंखों के सामने तीन लोगों ने आकर उसे किडनैप कर लिया है सर। तूने जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया। तू अनवर को बता देना यार। सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या बात सर? कॉल अटेंड करते रहो। ये क्या किया, कॉल को क्यों काट दिया? सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया। हेलो सर, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। मेरी आंखों के सामने तीन लोगों ने आकर उसे किडनैप कर लिया सर। सर एक की जान आफत में जाती है तो भी वो भगवान के बारे में नहीं सोचता है, वो 100 नंबर में ही फोन करता है, क्योंकि हमें भगवान की जगह पर रखते हैं वो लोग। हम लोग जिस जगह में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। अगर कोई फोन करता है तो उससे लगना चाहिए कि हम उसे बचा लेंगे। सॉरी सर, मेरी छोटी सी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको पर्सनल पुलिस वालों का पर्सनल कुछ भी नहीं होता है। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? किसी फ्रेंड की वजह से तुमने किसी को मारा होगा या फिर प्यार के लिए तुमने किसी से झगड़ा किया होगा, लेकिन कौन क्या कैसा है बिना चेहरा देखे हुए इंसान के लिए जान देने वाला ही सच्चा पुलिस वाला होता है। ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कुछ प्रूव नहीं कर पाते और फिर फ्रस्ट्रेशन में मर जाते हैं वो, पर हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें टफ होना है और दिमाग से काम लेना है जो तुम्हारे पास नहीं है। शंकर सर, परिमल से बोलकर जो लड़का गुमशुदा हुआ है ना, उसके घर में इसे एक दिन के लिए सिक्योरिटी पे लगा दो, अक्कल ठिकाने आ जाएगी। मेरा बच्चा कहाँ होगा? मेरा बच्चा किस हाल में होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को लेकर आइए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। सर वो पूछ रही है कि हमारा बेटा मिल जाएगा ना सर? उसके सामने मैं रो भी नहीं सकता हूं सर। सर आपको देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा बेटा मिल जाएगा। सर कुछ भी करके मेरे बच्चे को वापस ले आओ प्लीज सर। हवा में थर्माकोल छोड़ दिया तो कंट्रोल रूम को बताएगा? हैं? फोन रखना।
यहाँ पे पूरे शहर का सिग्नल है और इस चार्ट पर आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। क्या हुआ है वहाँ? कुछ नहीं सत्या, कल तुमने कॉल मिस किया था ना, उस लड़के को अगवा करने वाले उसके बाप से 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और क्या, पैसा मांगने वालों ने कहा है कि वो फिर फोन करेंगे और बताएंगे कि पैसा कहाँ लेकर आना है। उससे बात कर सकते हैं क्या? यस सर। पैसा रेडी है ना? 15 मिनट के अंदर हैरिटन रोड रिबन कॉलोनी राउंड क्रॉसिंग के पास व्हाइट बिल्डिंग है, दाएं हाथ पे पैसा रखकर चलते बनना, समझे? सर बच्चे के बाप ने बताई हुई जगह पर पैसे रख दिए। सर मेरी टीम अलर्ट है। सर वो अंदर जा रहा है सर। अगर वो बैग उठाता भी है तो आप लोग को जल्दबाजी मत करना, सिर्फ उसका पीछा करना। ओके सर। सर वो पैसे लेकर भाग नहीं रहा है सर, घर के अंदर जा रहा है सर। हेलो, आपने जहाँ कहा था पैसा रख दिया है, मेहरबानी करके आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। चुप कर, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस पुलिस से। वो पुलिस, उसको ही बोल रहा हूँ मैं। पैसे आने के बाद लड़के को कहाँ छोड़ेंगे वो बता दूंगा, समझे? कॉल को ट्रैक किया क्या? यस सर, ये कॉल इंडी से आया है। और इसके पहले का कॉल? इससे पहले का कॉल सर ट्रम्पेट, फिर ये कॉल शहीदा पेट में आकर डिस्कनेक्ट हो गया है। ये लोग बार बार अलग अलग सिम कार्ड से बात कर रहे हैं सर। ट्रम्पेट शहीदापेट इंडी, फॉरन सराउंडिंग में होने वाले बीट को कॉल करके रोड को ब्लॉक करने के लिए बोलो। ओके सर, चलो चलो चलो, रुको, चलो चलो, खासकर स्पीड से जाने वाले हर ट्रक और हर कार को चेक करो। हाँ ओके सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई दूसरा यहाँ से। ए, तुम कौन हो? बाहर निकलो यहाँ से। उन सिग्नल को चेक करो, कोई भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। हाँ सर, सबको फुल ट्रैक करने के लिए कहो। यहाँ इतना सीरियस मैटर चल रहा है, तुम्हारी यहाँ कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है ना तो जाकर सीट पर बैठ जाओ, जाओ। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल है, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाए। अरे हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा। नहीं जी पाऊंगी। कौन क्या है कैसा है, चेहरा देखे बिना जो उनके लिए जान देता है वही सच्चा पुलिस वाला होता है। कुछ भी करके मेरे बच्चे को लेकर आओ सर, प्लीज सर। अब क्या हुआ सर? ये काम चला जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है, यहाँ चल क्या रहा है बस आप मुझे फोन पे बताते रहना। सत्या, सॉरी सॉरी सर। कहाँ जा रहे हो तुम? एक चाय पी के आता हूँ सर। जा जा। पुलिस सारे शहर में मुझे ढूंढ रहे हो, 1 मिनट के अंदर वो बैग मेरे हाथ में आ जाएगा, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये क्या सर, ये तो चैलेंज कर रहा है। उस घर के अंदर चेक करो। सर जीपीएस वाली गड्डी को उन लोगों ने बैग में ही छोड़ दिया है सर। स्टूपिड, पैसा उसके हाथ में आ गया तो भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। बताता हूँ सर। सत्या तुम वहां पर किस लिए गए हो? साइदा पे ट्रम्पेट इंडी, सारे एरिया 10 मिनट में मैंने क्रॉस कर दिए हैं सर। इस एरिया की ट्रैफिक में 10 मिनट में क्रॉस करने का कोई चांस ही नहीं है सर। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? रोड पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा सर, अगर मेरा गेस करेक्ट है तो अगला कॉल नुम्बम बाकम से आना चाहिए। क्या है सत्या, पागलों जैसी बात कर रहे हो। सर लास्ट कॉल नुम्बम बाकम से आया है। कुछ उम्मीद है वो बच्चा इस वक्त कहाँ होगा?
लेकिन तूने पता कैसे लगाया? साइदा पे ट्रम्पेट इंडी है। इस एरिया में 10 मिनट में लोकल ट्रेन से क्रॉस कर सकते हैं सर। मैंने ढूंढ लिया मुरगदास। बहुत बढ़िया सर। पक्का उस किडनैप हुए बच्चे को लोकल बस में रखा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पैसा मिलने के बाद लड़के को कहाँ छोड़ूंगा बाद में बताऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पैसे भी मिल गए, अगले स्टेशन पे उतार दे क्या बच्चे को? ए, इसने सबका चेहरा देख लिया है, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो परेशानी हो जाएगी। हंस क्यों रहा है बेतू? बहुत सही स्केच बनाया है। इतने बड़े सिटी में एक भी पुलिस पकड़ नहीं पाएगी हमें, सबको भगाते रहेंगे। ए, जा बे जा, काट दे इसे। क्या हुआ भाई? समझ गया मैं मनोज दास, पक्का वो लोकल बस में सफर कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है। शादी कब की हो गई, ढोलिए अब बजा रहा है। आओ सत्या भाई, सारी जिंदगी फोन पे बात करते हुए कटेगी सोचा था, लेकिन अभी अच्छा काम किया है, इसका फील आ रहा है। एक चाय बोलो ना भाई। एक चाय। आ गए हो क्या? रुको मैं भी बाहर आती हूँ, जल्दी से यहाँ कोई देख लेगा। सारा माल लोड हो गया है, बच्चे लोग 10 मिनट में निकल जाएंगे, कल सुबह माल मिल जाएगा। मैंने फोन इसलिए किया कि पहले पैसे ट्रांसफर कर दो। चलो चलो चलो, निकलो निकलो अब निकलो। दास सामान लोड कर दिया, तुम बोलोगे तो हम निकलते हैं। हाँ निकलो, अगर अभी निकलोगे तो ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा, लेट निकलोगे तो पुलिस चेकिंग भी होगी, समझे? हाँ वो सब मैं देख लूंगा। संभल कर जाना। हाँ ठीक है, जाओ। हमारी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है।
भाई हमारी गाड़ी पकड़ गई है, निकाल ले गाड़ी को। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। सर क्या हुआ कि बीच में ना वो एक जानवर आ गया। सच सच बोल। यकीन कीजिए सर मेरा, मैं सच कह रहा हूँ सर, जानवर के बीच पे आने से गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहा। गाड़ी में क्या क्या लेकर के जा रहे हो? कुछ नहीं है सर, सामान है बस। हा? मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी में क्या है, यकीन तो बोलता क्यों नहीं सर? गाड़ी में कुछ सर कुछ नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लो। सामने से आके गाड़ी ठोकता तो क्या होता? सर 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 मेरी बात सर, अपनी गाड़ी है सर, बस गुड्स लेकर जा रहे हैं और कुछ नहीं है। तू कौन है बे? सर देख मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे शक हो रहा है सर। सर 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 गुड्स है सर, गुड्स से जा रहा है सर, अभी चले जाएंगे सर। गाड़ी खोल। बॉक्स उतार, नीचे उतार। क्या रे शेखर, गाड़ी को ठोक दिया क्या? अरे सर वो क्या है कि सर हमारे पहचान के लड़के हैं, मैं देख लेता हूँ, आप जाइए सर। ए, सर सर के पहचान वाले हैं, जाने दे। जी हाँ सर, ठीक है। दरवाजा बंद कर दे। ए, अरे अपना गोदाम बगल में ही तो है, उसे धीरे धीरे वहां ले जाने के लिए बोल। अनवर कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी अपने गोदाम में सेफ्टी में है। तो जानता है ना सुबह होने वाला है, सुबह अलग पुलिस वालों की शिफ्ट होगी, वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दो और सामान को कहीं और शिफ्ट कर दो, ठीक है? अरे कोई परेशानी नहीं है डीडी, आज रात को ही निकल जाएगा, कल सुबह तुम्हारा सामान तुम्हारे हाथों में होगा, देख लेना, ठीक है ना? ओके। ए, खाना कैसा है रे? अच्छा है भाई। हाँ तो निकाल निकाल। भाई मैं जा रहा हूँ भाई, देख कर बताता हूँ भाई, सामान एकदम सेफ है, तुम कोई फिक्र मत करो। हाँ भाई भाई सब कुछ परफेक्ट है। हाँ ठीक है भाई। हे जैक। है सत्या। तेरा कॉल रजिस्टर में देखा मैंने, 96 और चार आता तो 100 हो जाते, हर कॉल बहुत जबरदस्त है। क्या यार तू भी ना एक। मैं बात करता हूँ, रुक। हाँ तू बात कर धीरे धीरे। हेलो सो सर, मैं अपने आदमी के साथ बात कर रहा था तभी कॉल कट हो गया और मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। इमरजेंसी में कॉल आपको ही लगता है सर, एक बार जरा उसे कॉन्टेक्ट करवा दीजिए ना सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज अंकल। आती पनौती लग गई है, लगता है मार डालेंगे ये लोग। अरे कुछ नहीं यार, वो सब अपने लड़के लोग ही है ना। तू बोल। अच्छा हम लोगों ने पॉपकॉर्न खाया था, कभी भूल सकते हैं क्या? हैं? ए, हैं? किससे बात कर रहा है तू? मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है, उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, इसलिए मैंने फोन कर दिया अपने कंट्रोल रूम से। अच्छा बोलो और क्या खाया? मछली सालन, अंडा बिरयानी, और क्या क्या खाया तुमने? हेलो सो, अरे जल्दी खाओ ना, निकलना भी है। क्या हुआ भाई? गाड़ी देखो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अरे मैं देख लूंगा, तू जा ना। ठीक है भाई। भाई फोन में चार्ज नहीं है, मैं अंदर जाता हूँ और चार्ज करके लाता हूँ। तुझे कहीं भी प्लग पॉइंट नहीं मिलेगा। ए, इंजन ऑन है ना उसका? तो जा गाड़ी में जाके लगा ले। ठीक है भाई। हेलो सो। हेलो सो। हेलो सो। हेलो सो। आपकी लाइन इको में आ रही है। क्यों नहीं आना चाहिए क्या? हेलो सो से बोल रहा हूँ मैं, तू कौन है बे? हैं? हमेशा मजाक करता रहता है, कमीने, चुप नहीं बैठ सकता। अरे सत्या सर, देखना ये कॉल इम्पोर्टेंट लगती है। क्या सर, सारे 99 कॉल्स इम्पोर्टेंट थे, जो ये 100वां कॉल इम्पोर्टेंट होगा? 30 साल का तजुर्बा है मेरा, सर्विस के तजुर्बे से बता रहा हूँ, भले ही तुम्हें यकीन ना हो लेकिन इस 100वें कॉल से लोगों की जिंदगी बन गई है। देखते हैं सर ये 100वां कॉल मेरी जिंदगी कैसे बदलता है। Thank you.
सर कॉल आएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन नींद बहुत आ रही है। मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ। तीस साल का तजुर्बा है मेरा, सर्विस के तजुर्बे से बता रहा हूँ। भले ही तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन इस 100वें कॉल से लोगों की जिंदगी बन गई है। तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है ये देखना है। और सबूत ना मिले इसलिए उसे जला दिया। लड़की उसी बॉडी की है, ये कंफर्म हो रहा है सर। हेलो सौ, हेलो हेलो मैडम, आप ऐसे रोइए मत मैडम, घबराइए मत। आप बताएंगे तो ही कुछ हो सकता है, हम एक्शन ले सकते हैं। मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है सर। मुझे बचा लीजिए सर। आप पुलिस के साथ बात करेंगे, हिम्मत रखिए। क्या नाम है आपका? संध्या। तुम्हारे पापा का नाम? नटराज। और क्या करती हैं आप? मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ सर। कौन से एरिया में? कोडम्बाकम। आप उनके चंगुल से भाग कर आई हो क्या, या वो लोग आपके आसपास ही हैं? हाँ, वो मेरे आसपास ही है सर, मगर थोड़ा सा दूर बैठे। आप घबराइए मत, 10 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। 10 मिनट में पुलिस वहाँ पर आ जाएगी। मुझे कैसे भी बचा लीजिए सर, प्लीज सर। हेलो हेलो हेलो, सर मुझे जो कॉल आया था उसे ट्रैक किया? हाँ किया सत्या, बड़े ब्रिज के पास का लोकेशन दिखा रहा है। कॉल आए हुए लोकेशन से एरिया कौन सा बता रहा है? देखता हूँ, बीट 42, सत्या नजदीक में ही है, 200 मीटर की दूरी पर बता रहा है। वो लड़की जहाँ है उसे बीट करके बताओ, मैं भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। बीट नंबर 42, इमरजेंसी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। बीट नंबर 42, रिस्पॉन्ड। बीट नंबर 42, इट्स इमरजेंसी, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। बीट नंबर 42, बीट नंबर 42, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। शांति से खाने भी नहीं देते। बीट नंबर 42, इंस्पेक्टर पांडियन। एक लड़की को किडनैप किया गया है, लोकेशन भेज दी गई है, फौरन बताओ कौन से एरिया की है। किडनैप किया गया है तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ निशानी है? आप जाकर जांच शुरू कीजिए, तुरंत स्पॉट पर पहुंचिए। और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो बताता हूँ। ठीक है, मैं स्पॉट पर जाकर देखता हूँ। सर इधर। अरे अच्छे से खाना भी नहीं खाने देते। अरे साहब, अरे साहब, मेरे खाने का बिल देकर जाइए साहब। साहब सुनिए, वहां से जो लोकेशन आया है वो यही दिखा रहा है ना। गाड़ी अंदर ले। हे, सब शांत रहना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो रे? सर आपने तो रोड पे देखा ही था ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, सारा माल गोदाम में डाल दिया है। अभी दूसरी गाड़ी आ रही है ना, हम यहाँ से 1 घंटे में निकल जाएंगे सर। बीट नंबर 42, पांडियन रिपोर्टिंग।
स्पॉट पे आ गया सर। जो कॉल आया था वो राजेश नाम से ही रजिस्टर हुआ है। आई रिपीट, जो कॉल आया है वो राजेश के नाम से रजिस्टर हुआ है। हे, यहाँ पे तुम में से राजेश नाम का आदमी कौन है? सर मैं हूँ सर। तेरा आईडी प्रूफ दे, चल। ये लीजिए सर। हे आनंद सर, मुझे तो इन लोगों पर शक हो रहा है रे। मुझे भी शक हो रहा है सर। जाके अंदर चेक तो कर जरा। यस सर, चलो आओ। चलो गधा कहीं का। कितनी बार बोला तुझे, सौ नंबर डायल करके खेला मत करा कर। डायल करके खेल रहा था तेरी तो, तेरे अक्ल नहीं है क्या सर? लेके चल इसको। नहीं सर, चला। सर 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 छोड़ दीजिए सर, रात को लोड करना है ना, जो भी होगा बात कर लेंगे ना सर। कल आपको जो भी चाहिए मैं खुद पुलिस स्टेशन आके पहुंचा दूंगा सर। अभी तो तू बच गया है गधे। तूने फोन पे क्या बात की थी सर? बोलना सर। हेलो सर, सर किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, आप मुझे बचा लो सर। इसमें मर्द बोलेगा तो सर दूसरी तरफ औरत की आवाज सुनाई देती है सर, मैंने गलती से बात कर ली। बीट नंबर 42 रिपोर्टिंग सर, पूछताछ हो गई है, फेक कॉल था सर, लड़की की वॉइस में कॉल किया गया था। फेक कॉल था? मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है सर। उस लड़की की आवाज में सच्चाई थी। इन्फॉर्मेशन निकाल कर उस लड़की की आधार कार्ड डिटेल्स निकाली है। नेम संध्या, फादर्स नेम नटराजन, कोडम्बकम। इस लड़की को मरे 2 हफ्ते हो गए हैं सत्या। इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ सर, ये लड़की मरी नहीं है, इसी ने मुझसे बात की है सर। सत्या, ऐसे ही मरे हुए लोगों के बारे में पेपर में पढ़कर फेक कॉल्स आते रहते हैं, ये सब बातें यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। नहीं नित्या, वो लड़की जिंदा है और जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। क्या है ये, रात को 2 बजे फ्राइड राइस मांगूंगी तो कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे बाप की दुकान थोड़ी ना है, आज बिरयानी खाकर एडजस्ट कर लो। वैसे ही मेरा बेटा कल कुल्फी मांग रहा था, फिर भी गली गली घूम कर देखा। संध्या सर, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कौन है मैं नहीं जानती सर, पर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए सर। संध्या, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुमसे मिला भी हूँ, तुम हरी से किस कदर प्यार करती हो वो भी मैं जानता हूँ। विश्वास करो संध्या, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुझे अपना भाई ही समझ लो। भैया। संध्या डरो मत, अगले 5 मिनट में वहां क्या होने वाला है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी वो लोग वहां आएंगे, तुम्हें मारेंगे और तुम्हें धमकाएंगे भी, लेकिन तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, और वहां से तुम्हें दूसरी जगह पर ले जाएंगे। मैं आऊंगा, तुम डरना मत। बात होने के बाद फोन को कट करके वो देख नहीं पाएंगे, ऐसी जगह पर फोन को फेंक दो। भैया मुझसे नहीं होगा भैया, आप मुझसे बात करते रहिए। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना, मुझ पर भरोसा करती हो ना? मैं अभी कह रहा हूं ना तुमसे, मैं आऊंगा, तुम्हारी आंखों के सामने आकर खड़ा रहूंगा। हे चलो रे, चलो। भैया वो लोग आ गए। भैया वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें अगर बचना है तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करो। फोन कट करने के लिए तुमने क्यों कहा? ए, चल, 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 फोन कर रही थी। ले चलो इसे, चल। ए, कंटिन्यू बात भी तो कर सकता था, उस नंबर को ट्रैक कर लेते हम, बिना मतलब का फोन कटवा दिया। उस लड़की ने पुलिस को फोन किया लगता है, वो फोन कहाँ है बे? अच्छी तरह चेक किया, उसके पास फोन नहीं है भाई। तूने वो फोन साइलेंट पर रखा था क्या? नहीं भाई। कथा है तू, उस नंबर पर फोन लगा। भाई आवाज वहां से आ रही है। इसकी सिम कार्ड निकाल के फेंक दे। भाई इसमें जो सिम है उसमें फ्री डेटा बहुत बचा है। सिम निकाल के फेंक, बोलो ना। और इस फोन को तोड़ दे। भाई ये नया फोन है, एक भी दाग नहीं इस पर। नया फोन है क्या? हाँ भाई। ला दिखा जरा, मैं भी तो देखूं। बेवकूफ गधे, ये फोन अगर अपने हाथ में होगा तो ये पुलिस को पता लग जाएगा।
वो हमें बहुत आसानी से ट्रैक कर लेंगे। निकाल गाड़ी अब। गड़बड़ हो गया सत्या, लगता है उन लोगों ने सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया है। अभी उस फोन को ट्रैक नहीं कर सकते। किसी दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है उसको, उसी नंबर को ट्रैक करो। जहां पर वो फोन था उसी जगह से कॉल आ रहा है। आई एम रेडी सत्या। आप कहाँ? एक चाय पी के आता हूँ सर। दास, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को भनक लग गई है, लेकिन माल तो सब अपने ही हाथ में है फिलहाल। पार्क होटल के बेसमेंट में जो पार्किंग है वहीं गाड़ी डाल दे, मैं दूसरी गाड़ी भेजता हूँ। लड़कों को तब तक वहीं रुकने के लिए बोल। ओके दास। ए, गाड़ी को बेसमेंट की पार्किंग में डाल दे। हे, देख करा वो बेहोश तो नहीं है? ठीक है भाई। सो रही है भाई। सत्या, हाँ बोल। तू इस समय जहाँ पे खड़ा है वहीं पार्क होटल में सिग्नल दिख रहा है। ए, पुलिस वाला रे। ओके, एक्सक्यूज मी। यस सर। 3 डेज के लिए रूम चाहिए। सॉरी सर, अभी रूम तो अवेलेबल नहीं है। पुलिस वाले हमको सूंघ के यहां तक पहुंच गए हैं। हमने लड़की को अगवा किया, ये बात पुलिस को पता नहीं लगनी चाहिए बे। सिग्नल यहीं का दिखा रहा है ना? तू जिस जगह पे है वो लोग भी वहीं पर हैं। एक काम कर, लड़कों को फोन करके सबको पब के पास आने को बोल। ये बात जिसे भी पता है वो एक ही इंसान है, उसे हम खत्म कर देंगे। वो लोग पब में ही हो सकते हैं। क्या कह रहा है सत्या? अपने पास जो क्लू है सिर्फ उसी फोन का ही है। इतना बड़ा पब है, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे भी होंगे, बहुत शोर भी होगा। उस शोर में हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे है? मैं जब बोलूंगा तब उस नंबर पर फोन लगाना। ए, थोड़ा जल्दी करना, घर जाना है यार। नित्या, वॉइस चालू कर। क्या अपने काम से काम रख वरना एक दूंगी। ठीक है, घर नहीं जाता हूँ, तू लगा रहे काम में। Hey, बीच में क्या आ रहा है? चल निकल जा, निकल जा, जा। लड़की सेफ है ना भाई? हाँ भाई, लड़की सेफ है। अबे मोटू बैल, लड़की सेफ है ना भाई? मैं जो बोल रहा हूँ वही आवाज मुझे आ रही है। अबे लड़की सेफ है, लेकिन तू सेफ नहीं है राजा। भाई आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो भाई, तुझे नहीं सुनाई दे रही है, वहाँ सबको सुनाई दे रही है। क्या देख रहे हो? हाँ, ए, लड़की सेफ है, सेफ है, बोलो ना, तू कितना सेफ है देखते हैं। ए सत्या, अब तू अपने काम पे लग जा। ए आरजे बालाजी, तू काम पे लग जा। We'll be right back.
लड़की कहाँ है बता? ए तू कौन है बे? मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, देखो मेरे लोग आ गए हैं, वो तुझे मार डालेंगे। मारो इसे, मारो इसे। संध्या, मैं हूँ सत्या, पुलिस। मैंने तुमसे फोन पे बात की थी, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। भैया, अभी कुछ नहीं होगा। हेलो, अभी किसी बात के लिए डरो मत, हिम्मत रखना। तू कुछ भी समझ ले, लेकिन तेरे अलावा इस लड़की को किसी और के साथ भेजना मुझे सही नहीं लग रहा है। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ जाकर आ रहे हो तुम? टी चाय की दुकान दूसरे स्टेट में है क्या? तुम सुधरोगे नहीं, तुम पुलिस के काम के लायक ही नहीं हो। अब चलो जाओ। थैंक्स यार। भाई अब काम तो हो गया ना, कपड़े ढीले कर ले। एक कॉफी देना और स्ट्रॉन्ग बनाना। हाँ क्या कहा? सब्जी पक रही है और 10 बजे आकर कॉफी मांग रहा है? गधा कहीं का, एक नंबर का गधा है। क्या कहा तुमने, गधा? अपने बेटे का इस तरह से मजाक उड़ा रही हो तुम? पूरा स्टेट हिल जाए ऐसे केस को मैं हैंडल करके आ रहा हूँ, और एक कॉफी बनाने के लिए तुम इतना नाटक कर रही हो। रिश्वत विश्वत लेकर फंस गया क्या? क्या कहा रिश्वत? अरे तुम एक माँ हो, तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। आओ तुम्हें बताता हूँ, उस केस को मैंने सॉल्व किया, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं है। ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? लास्ट सीन देखा क्या? देखा तो नहीं, लेकिन दिल में बहुत दर्द हुआ। देखा माँ, देखे बिना ही फील करते हैं, और तुमको देखो वेस्ट। नमस्कार। स्कूल की लड़की की हत्या के केस में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, आज एक साल बाद उसे रिहा कर दिया गया है। उसे 10,000 रुपए कैश, साथ में सिलाई मशीन और एक आयरन बॉक्स भी दिया गया है। दरअसल एक लड़की की हत्या और एक साल में बाहर ऊपर से 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देकर भेजा गया है, तो फिर लड़कियां यहां सेफ कैसे रह सकती हैं? गलती हो गई और उसने एक साल की जेल भी काटी, अब कैसी सजा चाहिए उसे? इसे और कोई काम तो है नहीं, ऐसे कर रहा है जैसे इसी ने पकड़ा हो। ओह, मेरी सब्जी जल गई। पापा एक मिनट पेपर दीजिए। पापा और कोई फ्लैश न्यूज आपने देखी क्या? सारे न्यूज चैनल्स पर सुबह से ही सिर्फ यही न्यूज आ रहा है। तू भी तो पुलिस में है, चाहे कुछ भी हो जाए तू ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कौन? संध्या। आप कौन? इंस्पेक्टर सत्या। बस बहुत हो गया सर, मेरी बेटी मर गई है। अब तो आप लोग पीछा छोड़ दीजिए, अगर मेरी बेटी स्कूल जाते वक्त किसी एक्सीडेंट में मर जाती तो हम लोगों को उतना गम नहीं होता। एक बदमाश मेरी बेटी को मार देता है, कहता है उसने उसे धोखा दिया, और उसकी इन बातों का पुलिस वालों ने भी विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए। मेरी बेटी मुझसे कोई बात नहीं छिपाती थी सर, आप लोग जानते ही क्या है मेरी बेटी के बारे में। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। वो किससे प्यार करती थी पता है? वो लड़का सामने वाले घर में ही रहता है।
इस केस को जल्दी से क्लोज कर दीजिए। ए, जरा बाहर आ, तुझसे बात करनी है। जो कहना है यही बोल, बोल। उस लड़की से मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। कम से कम वो जिंदा है ऐसा तो बता सकता था ना। कितना गलत किया तूने। वो लोग मर चुकी है ऐसा सोच रहे हैं। कहाँ है वो लड़की? मुझे उसे देखना है। कौन सी लड़की? अनवर, मुझसे खेल मत। तेरे ही भरोसे उस लड़की को तेरे साथ भेजा था। वो जिंदा है ये बात तू और मैं ही जानते हैं। कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है? बीच में जो मिस हो रहा है वो फुटेज कहां पर है? सर, सुबह के इंस्पेक्टर आए थे, कॉन्फिडेंशियल बोलकर सारा फुटेज उन्होंने डिलीट करवा दिया सर। ये आया था क्या? हाँ सर, यही है वो। संध्या जिंदा है इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सत्या, पुरानी कॉल्स का बैकअप नहीं होता है सत्या, दो तीन दिनों बाद डिलीट हो जाती है। हेलो सत्या, घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, निशा के ऑफिस तक आओगे क्या? उस लड़की का फोन नहीं लगता है सत्या। विक्की ने उसके फ्रेंड से बात करके उसे फोन अरेंज करके दिया है और ये बात अनवर को पसंद नहीं। एक दिन वो घर में आकर उसे धमकी देकर गया। सुबह एक बार फोन भी किया था उसने। उसे लगा कि अनवर हम दोनों को अलग कर देगा, उस डर से वो गांव छोड़कर चला गया, ऐसा उसने कहा। तुम्हारा भाई हम दोनों को एक नहीं होने देगा, यहाँ से भाग चलते हैं आयशा। मुझे डर लग रहा है विक्की। ये पहले ही मुझे बता सकते थे ना अंकल। विक्की की वजह से ही तुम दोनों में दूरी हो गई और ये बात बताकर मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने निशा से कहा कि वो तुम्हें ना बताए। सुबह फोन किया था ना, वो नंबर मुझे बताइए। 9444-00-9158। ए, क्यों तूने इतनी जल्दबाजी की? मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सत्या। आयशा के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। ठीक है, तू यहाँ पे आ जा, मैं देख लेता हूँ। उधर आऊंगा तो अनवर मुझे जान से मार देगा, मैं नहीं आ सकता। जितनी आयशा मेरे लिए जरूरी है उतना तू भी मेरे लिए जरूरी है। इस बात को तू नहीं समझेगा। अनवर पक्का तुम लोगों को ढूंढ लेगा। अगली बस कितने बजे? आज रात की है। तुम दोनों वापस आओ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, मेरी बात को समझ, अनवर क्या कर लेगा मैं भी देखता हूँ, तू वापस आ जा। ठीक है, आता हूँ। आज से पिस्टल खाली हो गया, अब हम केक से अपना पेट भरेंगे। सर, इस केक के लिए पैसे मैंने दिए हैं सर। लो। सीधा मुंह में खिलाते तो ज्यादा अच्छा लगता सर। कोई बात नहीं। सभी ने ताली बजाई इसके लिए शुक्रिया। 30 साल पहले जब मैंने खाकी पहना था, सोचा था कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, मेडल लगेगा, डिपार्टमेंट में सब लोग बधाई देकर स्वागत करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उसी खाकी को उतार कर तालियों के साथ वापस भेजा जा रहा है। बस सिर्फ 2 ही दिन बचा है मेरा काम। सॉरी, ये पिस्टल का टॉर्चर। यहाँ के सारे लोग मुझे पिस्टल पिस्टल कह के बुलाते हैं, पर सब लोग मुझे पिस्टल क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। कुछ अंदाजा से बता सकता हूँ, जो मैं आज बता कर ही यहाँ से जाऊंगा। 3 पीढ़ी से मेरा खानदान पुलिस में है, लेकिन किसी ने भी पिस्टल नहीं पकड़ी। मेरे दादाजी पिताजी से कहते थे कि मुझसे तो कुछ हुआ नहीं, अब तू तो अपनी सर्विस में कम से कम एक आदमी को तो मार के गिरा दे, पर उनसे भी नहीं हुआ। वही बात मेरे पापा ने मुझसे कहा। मैंने भी कितनी कोशिश की, इंस्पेक्टर के घर की सब्जियां खरीदी, उनके कुत्ते को नहलाया, इसी में मेरी आधी सर्विस निकल गई। जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरे बच्चों पर ना हो, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। इतने सालों में मैंने अपने हाथों से पिस्टल छुआ भी नहीं,
फिर भी मेरे नाम के आगे पिस्टल परिमल कब लग गया पता ही नहीं। बहुत खुशी हुई, चलता हूँ। सर आपने कहानी सुनाकर रुला दिया सर। चीज जब पुरानी होती है तो उसे जाना ही पड़ता है सर, क्या कर सकते हैं, नियम है। नॉटी फेलो। क्या सर, जाते जाते भी दो तीन थप्पड़ लगा दिया मुझे। क्या यार, झगड़ा मत करो, काम पे लगो। क्या सर, क्या हुआ, फीलिंग से क्या? जरा इसे एक मिनट देखिए। इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये लड़की जिंदा है लेकिन ये मर चुकी है ऐसा बता रहे हैं, और ये लड़का बता रहा है कि उसका इसके साथ कोई संबंध है ही नहीं। मर गई है सोचकर वो फाइल क्लोज कर दी गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़की जिंदा है। ऐसी कितनी सारी लड़कियों पर ये सारे जुल्म होते होंगे। इस केस के सिलसिले में होने वाले सारे एविडेंस अनवर ने मिटा दिए। उसने क्यों ऐसा किया ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसा कोई केस है भी नहीं। कोई भी किसी को किसी तरह मारकर उसके मुंह से सच्चाई बुलवा सकता है ना, लेकिन अनवर ऐसा कर सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता। एक बात बताओ सत्या, बिना कोई एविडेंस छोड़े कोई ऐसे काम को अंजाम कैसे दे सकता है? कहीं हमारे अनवर का ही उस गैंग से कहीं कुछ? आप जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इन दो दिनों तक आप पुलिस ऑफिसर हो ना, आप सोचोगे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप मेरे साथ रहिए सर, एक बड़े नेटवर्क को पकड़ सकते हैं हम लोग। बैठो कार्तिक, मैं जानता हूं कि तूने कत्ल नहीं किया, फिर भी तू यहां आकर क्यों बैठा हुआ है? सर मैंने ये कत्ल किया है, एक साल से उससे प्यार करता था, मुझे बेवकूफ बना रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने हाथों से उसे मार दिया। तूने जिस लड़की को जलाया उसे कल मैं जिंदा देखकर आया हूं। तो फिर लेकर आना चाहिए था ना, अगर वो जिंदा है तो फिर मैं यहां क्यों हूं, मुझे तो बाहर होना चाहिए ना। क्या सर कॉमेडी कर रहे हो क्या? सारे पुलिस वाले पूछते हैं कत्ल क्यों किया और आप पूछ रहे हो कि तूने कत्ल क्यों नहीं किया। निकल ले। तेरी तो हमारा मजाक उड़ा रहा है क्या सत्या? तुम भी इसका मुंह तोड़ना छोड़कर इससे बातें किए जा रहे हो। तोड़ दीजिए सर, मुंह तोड़ दीजिए। एक माइनर लड़के पर हाथ उठाने के जुर्म में आपको सस्पेंड करके 3 महीने में बाहर भेज देंगे। आप इसको मारने के लिए बोलो ना सर। सर छोड़ दीजिए उसे। कमीना कहीं का। ए वार्डन, सस्पेंड का नाम सुनते हवा निकल गई। मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते है। संध्या अभी मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी वो कहां है वो मुझे नहीं पता। एक ही आदमी के पास उसका जवाब है। तूने संध्या से सच्चा प्यार किया है ना, तो फिर उसे मार कर पूछ, बाकी का मैं देख लेता हूं। मारो मारो, मारो इसे, मिशेल दादा नहीं करता है, बच्चों को मारता है, मिक्स इतना करो इसे, मारो मारो मारो, चले मारो, अच्छा किया। अरे सत्या, इस लड़के को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। ए, पहले ही सब कुछ बता दिया होता, जरा चेहरा तो देख। उसकी उम्र भी 17 साल की है, अगर उसने कत्ल किया तो उसे 1 ही साल की सजा होगी, समझ गया ना? एक एक बार एक एक आदमी आता था सर, फोन बॉक्स में ही पाउडर आता था, उसे हम पूरे शहर में सप्लाई करते थे। अचानक एक दिन पूछा गया कि एक कत्ल के लिए सरेंडर करेगा? एक कत्ल का केस है, अंदर जाएगा क्या? 5 लाख दूंगा तुझे। भाई नहीं होगा भाई। तुझे क्या बे, 17 साल का ही तो है, जाएगा तो बाहर आ जाएगा तुरंत। जैसे ही बाहर आएगा ना 10 लाख रुपए दूंगा तुझे। 10 लाख? सोच के बता, ये ले। घर में बहुत परेशानी थी इसीलिए मैं मान गया सर। ठीक है, पुलिस को यकीन दिलाने के लिए उस लड़की से प्यार का नाटक करो, ये भी उन्होंने ही बताया था सर। ये कौन है संध्या, मेरे साथ घूमेंगे तो घर में मचमच होगा। मैंने एक्टिंग बहुत सही किया सर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। ऐसा तेरे एरिया में कोई दूसरा सरेंडर हुआ है क्या? रघु नाम का एक आदमी है, अभी अभी जेल से छूटा है।
उन लड़कियों के साथ क्या करते हो? मुझे सिर्फ सरेंडर होना था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस फोन बॉक्स में रेगुलर तुम्हें पाउडर आता था? हाँ सर। डिलीवरी के हिसाब से वो पाउडर सप्लाई करने वाला एक ही आदमी है, वही दास भाई। पाउडर सप्लाई करने के हिसाब से लड़कियों को अगवा करने में भी उनकी वो मदद करता होगा। मैं भी उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गया हूँ, इसलिए शायद संध्या को उन लोगों ने अगवा किया होगा। तो फिर संध्या दास के पास ही होगी, अगर दास को पकड़ो तो केस ही खत्म हो जाएगा। ए दास, मुझे कहा कि बुला रहा है, लड़के ने ऐसे कहा, क्या बात है बोल। तेरी तो कमीने। क्या हुआ दास, बात क्या हो गई? मैंने बोला पाउडर लेकर जा और तू उस गाड़ी में लड़की लेकर जाता है। सॉरी, ये कितना बड़ा क्राइम है पता है? तूने जो काम किया है ना, उसके लिए पुलिस मुझे पकड़ेगी। तू अनपढ़ है क्या? तुझे इतनी अकल भी नहीं, किसके कहने पर ये सब करता है? अरे गलती होगी ना भाई दास, भाई माफ कर दो ना। तेरे पीछे कौन है मैं पता लगा लूंगा, लेकिन तू जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर दो। सब कंट्रोल उसके हाथ में, ऐसा ही बोल रहे हो ना? क्यों दास, तू जो देता है वो छोटी सी रकम के लिए हम लोग तेरे साथ काम करते हैं, यही सोच रहा है क्या? इतने दिनों तक मैंने तेरे साथ काम किया, इसलिए मैंने तुझसे माफी मांगी थी, और अब तू मुझे ही काटने का ऑर्डर दे रहा है। अब देखना, इतना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा नेटवर्क है, मिडिल क्लास लड़कियों को ही तो हम लोग टारगेट करते हैं। इन लोगों की फोटो सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जाती है, उस ग्रुप में पैसे वाले जो कुछ भूखे शेर भी होते हैं ना, वो लड़कियों की फोटो के ऊपर ग्रुप में बैटिंग करते हैं, उन लोगों की फेसबुक डिटेल भी निकाल कर देते हैं, और फिर उन डिटेल्स को वो सब लोग देखते हैं, और उन लड़कियों में से कौन सी लड़की ज्यादा भाव में जाती है उसी लड़की को हम लोग उठा लेते हैं। हाँ आ रही हूँ। अब मैडम आपका कुरियर आया है। कुरियर है जी, पर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। जेनिफर नाम आपका है ना? हाँ मैं ही हूँ। आपका ही है फिर? मुझे किसने भेजा होगा, देखूँ तो। मैंने उन्हें फॉलो करने और उन्हें उठाने में कोई परेशानी नहीं होती है, और उठाई हुई लड़की को फिर हम सिटी के अंदर और सिटी के बाहर सप्लाई करते हैं। जो तू पाउडर भेजता था पुलिस को हफ्ता देकर, तू तो अपना काम कर लिया करता था, तो तुझे ही पता ना चले ऐसा। लड़कियों को भेजने के लिए मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया। जिंदगी भर जो जैसा चाहे वो उन लड़कियों के साथ मजा उठाता, इससे हमें क्या प्रॉब्लम है? वो पुलिस ही थी, पुलिस को अगर लड़की गुम हो गई ऐसा बताएंगे तो पुलिस तो आपका पीछा करेगी ही ना, क्या गलत है? अगर वो मर गई तो एविडेंस ऐसा मिल जाता है कि उसको इसको क्लोज कर देते, मॉर्चरी से एक लड़की की बॉडी निकाल लेते हैं, और जो अगवा की हुई है उस लड़की का ब्लड उस डेड बॉडी में डालकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही जान पाते हैं कि लड़की वही थी, और ये पक्का प्लान होता है। वो आखिरी लड़की थोड़ी सी मिस हो गई बस। इतने दिनों तक मैं तेरे साथ काम करता था तो तूने मुझे बहुत हल्के में लिया था ना रे। सुन, तुझे बताए बिना मैं इतना बड़ा काम करता रहा, तुझे कुछ पता चला क्या? ये देख, शराब पीने के लिए तूने 500 रुपए दिए थे ना, वो अब भी रखे हुए हैं मेरे पास। अब तेरी मौत के लिए एक अच्छी सी फूलों की माला खरीद के तुझ पे चढ़ा दूंगा मैं। ये मारे इसे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई डेविड, तूने अपनी गलती कबूल करके मुझे बचा लिया ना। क्यों रे, क्या बड़बड़ा रहा ये? डेविड, तुझे क्या लगा वो लोग मुझे मारने वाले हैं? अपने ही हाथों तूने अपनी मौत लिख डाली, कैसा लगा? सर 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 सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ है बता? लड़की, मैं तो सिर्फ पाउडर का बिजनेस करता हूँ सर, अभी मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी में ये सब भी होता है। सर मुझे डेविड के ऊपर पूरा शक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए सर, मैं सब कुछ प्रूफ कर दूंगा। सत्या के पास डेविड फंस गया है, अब हमें क्या करना है?
सर संध्या जाए वहीं पर जा रहा हूँ। दास को गोदाम में बांध रखा है, कोकेन के केस में उसे अरेस्ट करने को बोली है। मैं लड़कियों को देख लेता हूँ। संध्या मिल गई तो क्या सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है? देख तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा सत्या। जैसा कि दास ने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बस इधर का काम उधर करता हूँ और क्या। इस पूरे बिजनेस को बहुत ही अच्छे से प्लान मैं नहीं कोई और करता है रे। ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरा कोई और नहीं है बल्कि तेरा। इसे अच्छी तरह से मॉनिटर करो। ओके सर। यमा R1 बाइक हेलमेट के साथ क्रॉस कर रहा है, उसे ट्रैक करो। बाइक कमिश्नर ऑफिस की तरफ ही आ रही है। सत्या वो तुम्हारा दोस्त अनवर है। कोकेन सप्लाई करने में मेरा भी हाथ था सर, और इसके लिए मुझे पैसे भी मिले। फिर मैं डेविड के साथ मिल गया, उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पुलिस वाला होकर भी मैंने ये गलत काम किया, और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। सर 5 मिनट अकेले में। ओके चलो। सिर्फ कोकेन ही सप्लाई किया है क्या? क्यों झूठ बोल रहा है बताओ? अगर तू ऐसे ही चुप रहेगा तो उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए बता अनवर कितना बड़ा क्राइम है ये? बचपन से तू मेरा दोस्त रहा है, कसम से तूने ऐसा नहीं किया होगा ये मैं जानता हूं। सच बता दे अनवर, अगर तू इतना बड़ा जुर्म कर सकता है तो आयशा का किडनैप भी तूने ही किया होगा ना? किडनैप हो चुका है भाई, उन लोगों ने किडनैप कर लिया इसलिए मुझे ऐसा काम करने के लिए कहा। वो विकी को मारकर आयशा को उठा ले गए। हमें छोड़ दीजिए प्लीज, हमें कुछ मत दीजिए। बार बार एक आदमी फोन करके ये कर वो कर करके बता रहा था, मैं नहीं होगा बोला, और आयशा का नंगा फोटो उन्होंने मुझे भेज दिया। अगर जैसा उन्होंने बोला वैसा नहीं किया तो नेट पे डाल देंगे, ऐसा बोलकर मुझे डराए। इसके लिए ही मुझे मारना पड़ा, और तुझे भी मार डालने के लिए धमकी दे रहे थे। बहन को उठा लेंगे तो मैं कुछ भी करूंगा ऐसा समझ लिया उन लोगों ने। वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे छुड़ा के लाऊंगा। सत्या कल सुबह ये सब पेपर में जा जाएगा ना? पापा सुबह उठते ही पेपर पढ़ेंगे और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेहरबानी करके उन्हें बचा लेना। कल ही मैं तुझे बाहर निकलता हूँ और तू ही आकर बता। कल सुबह ये सब पेपर में आ जाएगा ना? पापा उठते ही सबसे पहले पेपर पढ़ेंगे और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेहरबानी करके उन्हें सब कुछ समझा देना। हे अनवर, मैं जो बोलता हूँ वो शांति से सुन, पागलपन मत कर। वो गन मेरे पास दे। वो बेचारी संध्या, वो भी आयशा के जैसी ही थी ना, कैसे भी करके उसे बचा लेना यार। तू बात मत कर, पहले गन दे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं जिंदा ही क्यों। ए अनवर नहीं। Thank you.
लाश को उठाना है। आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख लीजिए। आखिर क्यों जाऊं मैं उसका चेहरा देखने? मैं कर्जदार रहा फिर भी ईमानदारी से जिया। एक वक्त ऐसा था कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, फिर भी मैंने अपने बच्चों को सही ढंग से रखा था। उधर लड़की भाग गई और इसने मुंह पे कालिक पोत दिया। कितना बदनसीब हूं, क्या सोचेंगे सब लोग। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कौन सा गुनाह किया था मैंने, किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। अनवर अच्छा लड़का था अंकल। विकी, क्या हुआ पता नहीं चला सत्या। विकी को किसी ने मारकर घर के दरवाजे के पास फेंक दिया और चला गया। आशा का भी पता नहीं क्या हो रहा है, खुद समझ नहीं आ रहा। विकी तो बात भी नहीं कर पा रहा। सत्या देखना, किसने ऐसा किया कुछ पता नहीं। आयशा, जब तक मैं हूँ आयशा को कुछ नहीं होगा, समझ गया? आयशा तेरी आंखों के सामने आकर खड़ी होगी। सुन सत्या, तू बहुत करीब आ गया है। उस दिन तुझे मारना था, तेरे फ्रेंड के ऊपर तुझे बहुत नाज था, तुझे उससे बहुत प्यार है। तो मुझे आयशा की जरूरत नहीं है। क्रॉस रोड के पास एक काली रंग की कार खड़ी है, वो उसी में जाके बचा ले उसे, जा। सर, हाँ, बोलो सत्या। आयशा कहाँ है वो पता चल गया है? आखिरी कॉल जो आया था, वो फोन नंबर ट्रैक करके मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आयशा, आयशा, विकी को कुछ नहीं हुआ है? आयशा, सच में विकी को कुछ नहीं हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। भैया, संध्या, एक नंबर से तुम्हारे फोन पे कॉल आया था। फोन करने वाला आदमी तुम्हारे आसपास ही है, कोई समस्या है क्या? पुलिस का हॉस्पिटल में राउंड अप करने के लिए बोलो। पापा, सर, 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 मैंने उसे यहीं पर देखा सर, दुकान के आसपास ही था वो। आयशा उसी के पास होगी सर, उसे कैसे भी बचा लीजिए सर, कहीं वो आयशा को मार ना डाले सर। प्लीज उसे बचा लीजिए सर, प्लीज सर, बचा लीजिए उसे। ठीक है, रो मत, अब साफ साफ बता, वो यहीं पर है ना? यहीं पर है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखने में कैसा है? मुझे जिन्होंने अगवा किया, मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन वो आदमी पतला सा था भैया। वो दिखने में कैसा दिखता था? कम से कम 6 फीट का होगा। वो 5.5 फीट का होगा। उसका रंग काला है, गोरा था भैया, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 40-50 साल की उम्र का होगा सर, 20 या 22 साल का रहा होगा। आखिरी बार कहाँ देखा था उसे? यही पे देखा सर मैंने। देखने में वो हमारे ट्यूशन टीचर के बेटे विकी जैसा ही दिखता था भैया। इस पूरे बिजनेस को अंजाम देने वाला मैं नहीं हूँ रे, कोई और है, और तू उसे जानता भी है। इन पैसों से पी लेना, शरीर ठीक हो जाएगा। हे, कितनी बार समझाया बुड्ढों को काम मत दे, मेरा ही खर्चा करवाते हो तुम लोग, बिल्कुल नहीं समझते। कब तक ये छोटा मोटा काम करते रहोगे भैया? साउथ कोरिया में चलने वाला एक फुल बिजनेस प्लान है, इंटरनेट के जरिए होता है ये, इसे फॉलो करो, माला माल हो जाओगे। अरे बहुत छोटा है तू, तू बोलेगा और मैं सुनूंगा तेरी। पैसा है भाई, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। लड़कियों को अगवा करना कोई बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं, लेकिन उन्हें बेचेंगे कहाँ? दुनिया में हर मर्द की चाहत होती है सिर्फ लड़की। मैं फेक प्रोफाइल क्रिएट करूंगा, ये सब मर्द सिर्फ लड़कियों के दीवाने हैं, लड़कियों के भूखे हैं ये। भाई, अकाउंट में पैसा आ गया।
तुम्हारा अकाउंट नंबर बोलो। अरे वाह क्या बात है, मैंने तो तुझे बहुत छोटा लड़का समझा था, लेकिन तू तो बड़ा शार्प निकला रे, क्या बात है। हे, ये क्या है, नया फोन? जो नया काम कर रहा हूँ ना उसी से लिया है। हाँ तो ठीक है ना, अभी कॉलेज खत्म होने वाला है ना, अब चुपचाप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना और लाइफ में अच्छे से सेटल हो जा। क्या तुम्हारा ऑफिस, तुम जाओ दीदी, मुझे लाइफ में अपने हिसाब से कुछ नया करना है। क्या करेगा, चोरी करेगा क्या? ए, लड़की सेफ है ना? भाई सामान बिल्कुल सेफ है भाई, तुम फिक्र मत करो। पहले तू इंजन ऑन कर। भाई सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। 17 साल का लड़का ढूंढ कर निकालो, वो इस प्लान के लिए सही रहेगा। अगर वो कुछ भी बोले तो पैसा देकर उसका मुंह बंद कर देना। वो माइनर है, अगर उसे जेल भी हुई तो सिर्फ 1 साल में वापस आ जाएगा। स्कूल की लड़की संध्या जिसका कत्ल हो गया था उसमें एक नया मोड़ आ गया है। लड़की के प्रेमी ने सरेंडर कर दिया है, पुलिस उसे इंक्वायरी कर रही है। उम्मीद है कि सारा केस बाहर आ जाएगा। साइकिल पड़ी हुई थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है सर। एक लड़का उसे हमेशा डराता था, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। तो कुछ भी समझ ले यार, लेकिन इस लड़की को तेरे सिवा किसी दूसरे के पास सौंपने का मन नहीं कर रहा है मुझे। अगर तू इतना बड़ा जुर्म कर सकता है तो आयशा का किडनैप भी तूने ही किया होगा ना? उन लोगों ने आयशा को उठा लिया है यार, तू कैसे भी करके उसे बचा ले। क्यों किया ऐसा तुमने विक्की? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। पैसा, कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। जल्दी से फोन लगाओ उसे। भाई, 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 मुझे बचा लीजिए भाई, मुझे बचा लीजिए भाई। पुलिस को मामले का पता चल गया है, अब इस बिजनेस को करना खतरे से खाली नहीं होगा। देखो ये आखिरी चांस है, कैसे भेजेंगे इसे? वो मेरा ही साला है बे, उससे ये काम मैं करवाऊंगा। आयशा को अपनी गाड़ी में डालने के बाद लड़की को रेस कोर्स की गाड़ी में डाल देंगे, फिर मैं हॉस्पिटल में एक सीन क्रिएट करूंगा। हॉस्पिटल? वो किस लिए बे? दीदी, दीदी मुझे मार कर भाग गए वो लोग। दीदी, दीदी मुझे बचा लो दीदी, प्लीज दीदी। सिंपैथी से हर चीज वर्कआउट हो जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दरवाजा बंद कर दो। क्यों रे इंस्पेक्टर? अच्छा भगाया ना तुझे? मुझे छोटा लड़का समझता है तू? छोटा नहीं हूं मैं। तू यही सोच रहा है ना कि एक मिडिल क्लास का लड़का आखिर इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है? मेरे बाप से सिर्फ एक ही गलती हो गई थी, रईस जादों के बीच में उसने मिडिल क्लास लड़के को भेज दिया, उसके बाद मेरी ख्वाहिशें बढ़ती चली गईं। जो भी देखता उसे हासिल करना चाहता मैं। मेरी चाहते मुझे शैतान बनाती चली गई। रईस बनना है मुझे। तेरी रईस बनने की इच्छा तो बाद में पूरी करूंगा मैं। आयशा कहां है बता? सीधे मैटर पर आ गया तू, बहुत प्यार करता है ना अपने फ्रेंड की बहन से तू, वो जो तेरे साथ है ना हमेशा तुझे भाई भाई बोलती रहती है। अब बता तुझे कौन सी बहन ज्यादा प्यारी है? देखना चाहता है तू? आयशा मुझे नहीं चाहिए, वो लड़की चाहिए मुझे। 1 करोड़ की कीमत है उसकी। मैं जहाँ बोलूंगा संध्या को वहाँ लेकर आ। आयशा को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उससे कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे। पुलिस वाली हरकत दिखाने की कोशिश की ना अगर तूने तो इसे काट डालूंगा। कहाँ छोड़ना है इस लड़की को? क्या बात है, बहुत जल्दी मान गया तू? कंट्रोल रूम किंग है ना तू? अगर फोन कट गया तो फौरन मुझे ट्रैक करके मुझे ढूंढना चाहेगा। मैं ये सब कुछ करूंगा तूने नहीं सोचा था ना? अगर कॉल कट हुआ तो आयशा का मैं गला काट दूंगा। मेरे वहां पर पहुंचने तक तू इस फोन पर बात करता रहेगा। और बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। गाड़ी निकाल वहां से। मुझे किसी के पास ले जाकर छोड़ना मत भैया, मुझे घर तक आप ही छोड़िएगा प्लीज। क्यों रे, बहुत रो रही है ना तेरी बहन इस वक्त? दोनों बहनों को बचाना है। कॉल कट नहीं कर सकता है तू, और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। ये सब तुझे बहुत अजीब लग रहा है ना? एंड द गेम बिगिंस नाउ। गाड़ी को सीधा ले, सीधा हाईवे पर आंध्रा के बॉर्डर की तरफ आ। गाड़ी कहीं भी रोकी तूने अगर या फिर रूट चेंज करने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा तू अच्छे से जानता है।
अबे ओए, यू आर इन ट्रबल। मेरे सामने होशियारी मत दिखा, मैं तेरा फोन ट्रैक कर रहा हूँ। स्कूल के बच्चों की जैसी हरकत करना अब तो बंद कर दे सत्या। सिग्नल ड्यूटी रिपोर्टिंग सर, ब्लैक कलर की लांसर गाड़ी बैरिकेडर तोड़ के जा रही है सर। सिग्नल पे जो कैमरा लगा है उसे कार का नंबर ट्रैक कीजिए। ओके ओके सर। सिग्नल 21 से गुजरने वाली ब्लैक कार को उसके नंबर प्लेट से ट्रैक करो। कॉल वेटिंग में जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा। उसके लाइन को ट्रैक करके उसके आसपास पुलिस है, उन्हें जल्दी बता दो। ओके सर। भाई वो देख, विक्की की गाड़ी जा रही है। सीधा जाने को बोला तो यू टर्न क्यों लिया तूने? पुलिस वाली हरकत दिखानी शुरू कर दी ना। अरे अरे, वो लोग कार को ट्रैक नहीं कर रहे बल्कि संध्या को ट्रैक कर रहे हैं। सत्या जिस रूट पे गया है हमें वापस उसी रूट पे जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी गाड़ी घुमाओ, जल्दी। ओके सर। जिस रूट पे बोला है उसी रूट पे गाड़ी चला, वरना तू जानता है सत्या। वो सत्या से कुछ बातें कर रहा है, उसकी लोकेशन को ट्रेस करके मंजुनाथ को बताओ। मेरे ही करीब आ गया तू, बहुत सही कर रहा है तू। मेरे बोले हुए रूट पे गाड़ी चलाओ, लेकिन मुझे लाइट जर्क हो रहा है। तूने मुझे अंडरएस्टिमेट किया। जरा बात उस लड़की से करवा, फोन दे उस लड़की को। बोला ना, फोन दे उस लड़की को। लड़की बेहोश हो चुकी है। ए, उसे क्लोरोफॉर्म दिया था क्या? नहीं भैया, कौन बोला आपसे? तूने पुलिस वाली जात दिखा दी ना आखिर। वो लड़की तेरे पास नहीं है, ये बात मैं जान चुका हूँ। समझ ले, अनवर की बहन मर गई, काट कर फेंक दूंगा मैं उसे। ए, चल, तेरे भाई को तुझसे प्यार नहीं है रही, तू तो गई अब। क्यों बे कमीने क्रिमिनल, जब तुझ में इतनी हिम्मत है तो हम पुलिस, हम में कितनी हिम्मत होगी बोल। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मार के बताओ उसको। सत्य मैं अपने एरिया में आ रहा हूँ, मेरे पीछे वो पुलिस वाला पड़ा हुआ है, मैंने 1,00,000 रुपए भेजे हैं, जल्दी से उसे डाल दे और 10,00,000 मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। भाई विक्की की गाड़ी जा रही है। ए, सब गाड़ी निकालोगे?
मारो इसे। मार डालो इसे, खत्म कर दो। आज तो नहीं बचेगा, मारा जाएगा। हे, हम किसी भी लड़की को बेचे तुझे इससे क्या है बे? अगर तू संध्या को बचाने नहीं आता तो मुझे इसको उठाने की नौबत नहीं आती और मैं 13 साल बनकर आराम से फैमिली के साथ जिंदगी गुजारता। पर देख अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, और इसकी वजह मैं नहीं हूँ, तू है। तेरा दोस्त कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, मैंने उसे सिर्फ एक ही वीडियो भेजा था, देखते ही पूरा का पूरा हिल गया। उसने जो भी कहा था मैंने सब किया, और फिर वो मजबूर होकर तेरे सामने खुदकुशी करके मर गया। भैया, भैया। अभी क्या भी इसे मैं मार डालूंगा तेरी आंखों के सामने। क्या कर लेगा रे तू? बड़ा आया पुलिस वाला। वो मेरी भी बहन है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अभी उसे काट कर डालने के लिए बोलते हैं। भाई हे चल, क्यों किया तूने ऐसा? कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया तूने? बचपन से कंधे में हाथ डालकर घूमने वाले फ्रेंड्स कैसे होते हैं पता है तुझे? तेरी वजह से मेरा अनवर मर गया। अरे बच्ची, थैंक्स भैया। पूरे शहर में जितनी भी लड़कियों को अगवा किया गया था, पुलिस ने उन सबको छुड़ाकर हिफाजत से उनके घर पहुंचा दिया है। लड़कियों को अगवा करने वाला मुख्य आरोपी कॉलेज का एक लड़का है जिसका नाम विकी है, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अब सारी लड़कियां घर पहुंच चुकी। कितने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाया था, मिली है। लेकिन अफसोस में अपने बेटे को सही ढंग से नहीं पाल पाया। तुम्हारी क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग हो गई है, तुम जो चाहते थे उसी फील्ड का तुम्हें काम मिल गया। नहीं सर, मैं कंट्रोल रूम में ही काम करूंगा।
सारी छोटी लड़कियों को कहां कहां कौन कौन बर्बाद कर रहा है। इसके जैसे कमीने प्यार के नाम पर उन्हें भैला फुसलाते हैं। लड़कियां भी उन लड़कों पर भरोसा रखती हैं और वो लड़के इन लड़कियों का भरोसा तोड़ देते हैं। भैया मुझे बचा लीजिए भैया प्लीज। इसके ऊपर केस डालकर कोर्ट में हाजिर करो। एक ही साल में ये बाहर आ जाएगा। ये कानून लिखकर 70 साल हो गए हैं। अभी तो 13 साल के लड़कों में जो एक्सपोजर होता है वो 40 साल की उम्र वालों में भी नहीं होता। एक कत्ल कितना सेफली करना चाहिए ऐसा यूट्यूब में दिया होता है। लड़की का रेप करने वाले को बेल दे देते हैं, क्या वो सुधर जाएगा? जन्म देने वाली माँ को ही मारकर भाग गया। सिर्फ इतना ही क्यों, दिल्ली में एक लड़की का रेप करने वाला और अपने गांव में एक छोटी बच्ची का रेप करने वाला भी दोनों आराम से आजादी से घूम रहे हैं। ऐसे कमीने लोगों को अरब देश की तरह काट कर फेंक देना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए, यही सही इंसाफ है। जरा सोच कर देखिए, इसमें जो परेशानी झेलती है वो सिर्फ लड़कियां ही होती है। सिलाई मशीन और 10,000 रुपया देंगे तो ये लोग सुधर जाएंगे क्या? अगली बार औरतों पर ये लोग फिर से हाथ डालने की सोचेंगे। इसके लिए इनके मन में पहले से डर भरना चाहता हूं मैं। आपके रिटायर होने में 5 मिनट बचे हैं सर। आपके नाम के साथ जो पिस्टल है वो अब आपके हाथ में है। मुझसे कहा था कि कम से कम रिटायर होने से पहले एक को तो मार गिराओ। इंस्पेक्टर के घर पर मैंने भाजी तरकारी भी खरीदी, चाय सप्लाई किया, गाड़ी धोई। हेलो सौ, कहाँ जा रहे हो? एक चाय पीकर आता हूँ सर।